एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कॉलिन, उन्होंने मुझे बुलाया है और अगेन इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज. मतलब बच्चों के लिए काजल फाउंडेशन वर्क करता है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मतलब इट इज़ जस्ट लाइक यू नो, इट जस्ट फील गुड, दैट्स अबाउट इट. कोशिश यही होती है कि अवेयरनेस जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड हो पब्लिक में. हमारा जो भी हिस्सा है वो हम कर सकते हैं, बाकी सब डिपेंड करता है. बट सो यस, इट डज स्प्रेड आउट टू द पीपल दैट वी बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ कॉज, वी यू नो इंस्पायर यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ सच कॉज टू. वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कितने सुपरस्टिशियस है. काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो वो अगर आप मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है. जो फॉर्मेट है AIB का, वो डेफिनेटली इंडियन पब्लिक जो है वो एक्सेप्ट फ़िलहाल नहीं करती है. तो और अगर दूसरी बात, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऑफेंड हुए हैं वो चीज़ को लेके, तो जितना हो सके उतना ना हो, या मे बी यू नो वी आर नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ अ शो. होपफुली नियर फ्यूचर में हम डेफिनेटली रेडी होंगे, बट अभी बिल्कुल नहीं. ओके, सो इट्स एनिवर्सरी टाइम, सो हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑसम टीवी. वेल एक्चुअली माय फ्रेंड कुलीन, शी वाज टेलिंग मी अबाउट दिस इवेंट अ मंथ बैक, एंड इफ आई वांटेड टू कम, एंड आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू कम हियर, आई वुड लव टू कम हियर, एंड इवन आई वांट टू सपोर्ट दिस. Because this is actually something that I was not aware of, so I'm very happy that I'm aware of this now, and I truly want to support it. So I'm happy to be here. मौका तो मैंने already कहा कि मैं ये support करना चाहती हूँ. Then also the breast cancer that is there, I do support. So yes. वो तो एक्चुअली मुझे पता नहीं, बट इट आई मीन इट्स वेरी कॉमन, जैसे मेरा नाम भी. सो या आई गेस दैट्स अ थिंग, यू नो, इट्स लाइक यू चूज योर आर्टिस्ट नेम. या अच्छा, हाँ वो वाला. वेल एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ वो चीज़ के बारे में. इट्स वेरी very strong, I mean you have to be very tough and strong as a person, I think, to be able to take all that. And yeah, I mean actually mujhe pata nahi ki main kya bolu. Did you like the? I would not want to be in a situation like that, you know. Actually mujhe pata nahi ki main kya bolu चीज के बारे में. सीरियसली, वी विल कम ऑन अ इजीयर टॉपिक. वैलेंटाइन डे इज अराउंड द कॉर्नर, सो व्हाट प्लान्स फॉर वैलेंटाइन डे? वेल कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा शूटिंग चल रहा है अब्बास मस्तान सर के साथ. सो या वी आर एक्चुअली शूटिंग ऑन वैलेंटाइन डे इन राजस्थान. सो एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं फाइनली राजस्थान के लिए जा रही हूँ. सो या आई विल बी स्पेंडिंग इट देयर ओनली. I wish you all a beautiful and lovable Valentine's Day. So celebrate it with all your loved ones. But do remember that you should actually celebrate Valentine's Day every day. But make this day thoda sa zyada special. Thank you. I think ye pehli baar main itni इस कॉज के साथ एसोसिएट हो रही हूँ. इट्स अ फर्स्ट टाइम एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ बिंग एसोसिएट विद कर्नल्स फाउंडेशन. और जब मुझे ये मौका मिला ये करने का, आई थिंक आई जंप्ड एट इट राइट अवे, क्योंकि ऐसे फाउंडेशन और ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करना, नॉट एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट. टू मी बींग अ पब्लिक फिगर, आई थिंक जितना मैं कर सकूँ फॉर एवरीबडी टू बी अवेयर कि ऐसा एक फाउंडेशन है कॉल कर्नल्स फाउंडेशन, आई एम हैप्पी टू डू माई बिट. आई थिंक सर नेम आई पार्ट ऑफ योर नेम, आप जो बनाते हो इस नाम का दैट इज़ अप टू यू, और आप जो करते हो उस नाम का दैट इज़ अप टू यू. मैं एक्चुअली फॉर्चुनेट थी कि मैं भट्ट परिवार से हूँ, क्योंकि माई फैमिली हैज़ हैड द यू नो हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वेरी आई शुड से सब्सटैंशियल करियर एंड सब्सटैंशियल थिंग्स इन दैट देव डन इन देयर लाइफ. मेरे पापा हमेशा एक्चुअली बहुत सारी चैरिटी और बहुत सारी सोशली
अवेयर रहते हैं एंड ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अदर पीपल नॉट ओनली हिमसेल्फ. तो आई थिंक मैं उन्हीं से सीख के ये कर रही हूँ क्योंकि हमेशा अपने आप के लिए सब कुछ नहीं करना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस यही कहूँगी कि जैसे आपने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कुछ चीज़ होती है. विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ ऑसम टीवी अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे.